प्रणाम प्रभु। रुक्मणी, तुम अभी तक जाग रही हो? आप भी तो जाग रहे हैं प्रभु। इस अर्धरात्रि में इतनी उदासी भरी बांसुरी बजाकर आप क्यों जाग रहे हैं प्रभु? और इस चांद से मुख पर इतनी उदासी क्यों छाई है प्रभु? क्या बताऊं रुक्मणी, मुझसे मेरे भक्त का दुख देखा नहीं जाता। भक्त? कौन सा भक्त प्रभु? आप किस भक्त की बात कर रहे हैं प्रभु? जिसके ऊपर संकट आया है और जिसकी आपको इतनी ज्यादा याद आ रही है? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। मेरा बचपन का मित्र है जिसका नाम सुदामा है। आज वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। रुक्मणी, संदीपति आश्रम में मैं, सुदामा, बलदाऊ भैया इकट्ठा शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार हमारी गुरु माता ने हमें लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजा और गुरु माता ने थोड़े से चने सुदामा को दे दिए और कहा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो इन्हें बराबर बांटकर खा लेना। कहते हैं कुछ खाने से ठंड दूर हो जाती है, तो निकालो चने। चने? कौन से चने? अरे वही चने जो गुरु माता ने दिए थे। अच्छा अच्छा, वो चने? जब हम पेड़ पर चढ़ रहे थे तो वो धरती पर गिर गए थे। फिर भी रहता है संतोष निस्दिन
श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। स्वामी, आप जिनका नाम जपते रहते हैं, क्या उन्हें हमारा ये दुख दिखाई नहीं देता? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे आधा पेट भोजन करके करवट बदल बदल कर सो गए। क्या आपके भगवान को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? देख वसुंधरा, मेरे स्वामी घट घट के वासी हैं, कभी उनसे कुछ छुपा नहीं। तो फिर करते क्यों नहीं कुछ आपके भगवान? क्यों हमारी तकलीफ दूर नहीं करते? तकदीर सुख दुख तो है आते जाते, कभी खुशी कभी होती पीर। जिसके मन श्री कृष्ण रमेना, उसका व्रत जाए शरीर। उठा सुदामा अपनी खाट से, चला रसोई घर के पास, भोजन का बर्तन ले हाथ में। खाली देख भाई है त्रास, दूजा बर्तन हाथ उठाया। हरे कृष्णा 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 हरे। ये क्या है स्वामी? तंदुल का आधा हिस्सा मेरे सिराने में रख दिया और आधा हिस्सा अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। क्या है स्वामी ये? वसुंधरे, भगवान भोजन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। मैंने एक दाना तंदुल का दो हिस्से इसलिए किए, आपका आधा हिस्सा आपको दे दूं। मेरा हिस्सा आधा मैं प्रभु को अर्पण कर दूं। अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो आगे आइए और अपना हिस्सा भी प्रभु को अर्पण कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। स्वामी, आप अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं करते? कैसे करूं, मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। आप क्यों नहीं कुछ कर देती? मैं? ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। सुदामा पांचवें द्वार पर पहुंच रहा है, छठे द्वार तक नहीं जाएगा। जी ने माया का कीना संचार, एक
स्वामी। रुक्मणी, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। आपने देना चाहा तो देखिए, सुदामा सहित खीर धरती पर गिर गई। जो इस कुत्ते के भाग्य थी, सुदामा के हाथों इसे मिलनी थी। रुक्मणी, समय से पहले आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। किंतु स्वामी, सुदामा जी आपके भक्त होने के साथ साथ आपके परम मित्र भी हैं, तो वो आपसे सहायता तो ले सकते हैं ना? यही तो विडंबना है देवी। भक्त भगवान से खुलकर मांगता है, किंतु एक मित्र से मांगने में संकोच करता है। सुदामा हर समय एक ही श्लोक गाता है, विपत्ति पड़ने पर मित्र से ना मांगिए। पर अति शीघ्र सुदामा का कल्याण होने वाला है। वो देखो रुक्मणी, सुदामा के लिए मोहजाल आ रहा है। परंतु तुम्हें देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ। ये तुमने क्या हाल बना रखा है, जो रास्ते रास्ते भीख मांग रहे हो? तो क्या हुआ मित्र चक्रधर, ब्राह्मण हूँ, भीख मांग रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, इसमें कोई अपराध तो नहीं कर रहा मैं? ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़ो सुदामा, मुझे देखो। मैं सिर्फ राजा के सामने हाथ फैलाता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और मनचाहा धन प्राप्त करता हूँ, सोट ठाट से रहता हूँ। मेरा कहा मानो सुदामा, मेरे साथ तुम भी चलो। हो बखान ब्राह्मण को नहीं शोभा।
ठीक है भैया ठीक है। हरे कृष्णा। अरे भगवान वसुंधरा सुनती हो? जी स्वामी, आप आ गए। लो, बच्चों के लिए कुछ ले आया हूँ, भोजन बनाकर खिला दो। हरे कृष्णा। भिक्षान देही। माता, 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कुछ खाने को दे दो। हरे कृष्णा। रहने दो भाई। हरे कृष्णा। क्या बात है प्रभु, आपने भोजन क्यों नहीं किया? मेरा भोजन तो हो गया रुक्मणी। भक्त भूखा रहे और भगवान भोजन करे, ये कहां का न्याय है? आपका कौन सा भक्त भूखा रह गया प्रभु? एक भक्त है सत्यभामा, जो मुझे अति प्रिय है। क्या अर्जुन से बढ़कर है वो भक्त? सत्यभामा, मेरे लिए तो दोनों की भक्ति महान है, सुदामा और अर्जुन में कोई फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। निकाल
नहीं नहीं मित्र, ये मुझसे नहीं होगा। देखा भाभी, कम से कम अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो सोच सुदामा, उन्हें दो वक्त की रोटी और दो वस्त्र तो प्रेम से मिल जाएंगे। आप चिंता ना करें देवर जी, मैं इन्हें समझाऊंगी, ये अवश्य कल आपके साथ राज दरबार में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ। ठीक है भाभी, मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। मैं जान गया हूँ, तूने अपनी आत्मा राजा के यहाँ गिरवे रखी है, अब यहाँ पर हरि का भजन नहीं हो सकता। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, महाराज को मेरा सत सत प्रणाम। प्रणाम, कौन हो? महाराज मैं हूँ चक्रधर। चक्रधर, तुम तो मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो। महाराज ये चक्रधर दूसरा मेरा मित्र सुदामा है। महाराज सुदामा है? जी महाराज। अरे चक्रधर, मेरी तारीफ पे इसने भी कोई कविता लिखी है क्या? जी महाराज। अच्छा, और तुमने? मैंने ही लिखी है महाराज। तो विलंब कैसा, सुनाओ। वाह चक्रधर वाह, क्या कविता सुनाई है, ले लो अपना इनाम। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। क्या नाम बताया तुमने अपने मित्र का? सुदामा। सुदामा महाराज। सुदामा? जी हाँ महाराज। इनसे कहो ये भी मेरी प्रशंसा करें और कुछ सुनाए। सुदामा सुनाओ, सुदामा सुनाओ, महाराज को कुछ सुनाओ। नहीं चक्रधर, मित्र ये मुझसे नहीं होगा। अरे सुदामा मरवाओगे मुझे? अरे सुदामा सुना दो न जरा, नहीं तो महाराज तेरे साथ साथ मुझको भी फांसी पर चढ़ा देंगे। सुदामा सुना दो, सुना दो, सुना दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे की प्यास हरी से स्नेह लगा ले पगले, और
भगवान की। सुदामा, तुमने हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं महाराज, नहीं, मैं इसकी गरीबी देखकर इसको यहाँ दरबार में लेकर आया महाराज। इसकी बीवी और इसके बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मैं इसलिए इसको यहाँ लेके आया, दरबार में इसको कुछ धनराशि प्राप्त हो जाएगी जिससे इसका गुजारा हो जाएगा महाराज। मगर इसका तो भाग्य ही फूट गया महाराज, इसको क्षमा कर दो महाराज। चक्रधर, इसने मेरा अपमान किया है, इसका दंड तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। सैनिकों, इसे धक्का मार कर बाहर निकाल दो। अरे अरे अरे, क्या हो गया आपको, ये क्या हाल हो गया, ये क्या हो गया स्वामी? कुछ नहीं बसुंधरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही। मैं अभी आती हूँ तेल लेकर। अरे कृष्ण, अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बसुंधरे? हमारी कुटिया में इतना ही तेल रखा है, अगर ये सब तेल आप मुझ पर लगा देंगी तो शाम को दीपक कहाँ से जलाओगी? हे प्रभु, मुझसे अब सुदामा की हालत देखी नहीं जाती। इतनी बुरी हालत में भी उसकी हर सांस में बस आपका ही नाम है। रुक्मणी, मैं क्या करूं, मैं उसकी कोई सहायता भी तो नहीं कर सकता। परंतु अब समय आ गया है, सुदामा के कष्टों का निवारण होने ही वाला है। सुदामा के घर आए, घायल तन में लगा औषधि। चले गए हैं मन हर साय, खुल गई नींद सुदामा जी की। वसुंधरा को रहे जगाए, वसुंधरा उठ करके बोली, नाथ हुआ क्या थे वो बता, देख अचंभो चकित भई है। मुख से बोल कहा ना जा, देख अचंभो चकित हुई। देखो बसुंधरे, देखो मेरे प्रभु को मेरी कितनी चिंता है। हाँ हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए।
मुझ जैसे दीनहीन पर कृपा करने के लिए द्वारकापुरी से माखन लाए और मेरे बदन पर लगाकर चले गए। हरे कृष्णा मुझे क्षमा करना। स्वामी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी, अगर आप मेरी माने तो। कहो बसुंधरी, आज तुम जो भी कहोगी मैं अवश्य मानूंगा। स्वामी आप अपने मित्र से मिलकर क्यों नहीं आते? नहीं नहीं बसुंधरे नहीं, कहां वो द्वारकाधीश महलों में रहने वाले और मैं दर्दर का भिखारी। मित्र से प्रेम बढ़ाए अपने स्वार्थ हेतु मित्र घर, कभी कोई ना मिलने जाए वो घट घट के जानन वाले, उनसे कछु भी छुपा है ना वो घट घट के जानन वाले। एक भक्त को भगवान से मांगने में काय का संकोच? नहीं नहीं बसुंधरी। अरे मैं आपसे कुछ मांगने को थोड़ी ना कह रही हूँ, वो तो अंतर्यामी है। आप जाइए तो सही स्वामी, आपके मांगे बिना ही आपको सब कुछ दे देंगे। तुम ठीक कहती हो बसुंधरी, परंतु एक मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना वो भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर प्रभु ने पूछ लिया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है तो मैं क्या जवाब दूंगा? स्वामी इसकी चिंता आप ना करें, मैं कुछ करती हूँ, आप तैयार होइए। हरे कृष्णा अपने ग्रह से चली वसुंधरा और पड़ोस में पहुंची जान, वहां पड़ोसन से जा बोली थोड़े तंदुल दे दो दान, मेरे पति जा रहे मित्र घर, भी नहीं है दे दो भला करे भगवान, वसुंधरा की सुनकर वाणी वह नारी ग्रह करी प्रवेश, भीतर से थोड़े से चावल लाई देने, सुनो विशेष लेकर चावल वसुंधरा ने मुख भर कर दई है आशीष, भरा रहे भंडार तुम्हारा कृपा करे निस दिन जगदी, भरा रहे भंडार तुम्हारा। स्वामी ये थोड़े से चावल हैं, पोटली में बांधकर लाई हूं, ये मेरी तरफ से अपने मित्र प्रभु को अर्पण कर देना, कह देना तुम्हारी भाभी ने भेंट किए हैं। वसुंधरा। हाँ स्वामी। जरा मेरी लाठी तो ला दो। अभी लाई स्वामी। हरे कृष्णा। स्वामी तनिक भी देर ना कीजिए, आप शीघ्र ही जाइए। स्वामी ध्यान से जाना, मेरी तरफ से प्रभु को प्रणाम कहना। अपने पति के करने विदाई वसुंधरा भाई है अगमान, गांव के बाहर मंदिर आई बैठे जहां कृष्ण भगवान, और ये मेरे
जहाँ कृष्ण भगवान कहाँ बसी है द्वारका नगरी। रुक्मणी, क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ रुक्मणी, ऐसा क्या हुआ है स्वामी? आज मेरा मित्र सुदामा द्वारिका नगरी आ रहा है। आपके भक्त अकेले द्वारिका नगरी पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं रुक्मणी, मैं जो उसके साथ हूँ वो अकेला कहाँ। अरे भाई, आप तो बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। प्रणाम विप्रवर, आइए तनिक विश्राम कर लीजिए। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा, मुझे तो सब गोपाल कहते हैं। और मैं अपनी धर्म पत्नी को यहाँ छोड़ने उसके पिता के घर आया था। और आप कहाँ जा रहे हैं विप्रदेव? मैं तो अपने मित्र से मिलने द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी? हाँ भाई हाँ। विप्रवर, मैं तो वहीं रहता हूँ, तो हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है। चलिए, आपके साथ बोलते बताते समय कट जाएगा। चलो चलो, ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। विप्रवर, इस झरने से कितना शीतल जल गिर रहा है, अब यहीं ठहरकर भोजन किया जाए, जल पीकर विश्राम किया जाए। हमारी धर्मपत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आइए थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। आइए बैठिए ना। नहीं, मेरा पेट भरा है, आप भोजन कीजिए। ऐसा तो नहीं होने आए, ब्राह्मण भूखा रहे
सुना गई उनके कान, भक्त सुदामा भी उठ बैठे। क्या बात है मुरली वाले, लगता है रात भर आप सोए नहीं। हमें तो हमारी धर्म पत्नी लक्ष्मी रानी की याद आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लगता है आप अपने मित्र से बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रभु से कौन प्रेम नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी लक्ष्मी से ही बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, अब स्नान कर लेते हैं और प्रभु की आराधना करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जाइए आप स्नान कराइए। आपसे तो वार्तालाप करते हुए पता ही नहीं चला और हम द्वारिकापुरी आ गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या क्या यही मेरे प्रभु की द्वारिकापुरी है। हाँ हाँ यही द्वारिकापुरी है। अब आप अपने मित्र से मिलने जाइए और मैं अपने घर चला। हरे कृष्णा। अरे भाई मुझे मेरे प्रभु के महल के पास तक छोड़ दो। अरे विप्रवर, यहाँ तो आप किसी से भी द्वारिकाधीश के महलों के बारे में पूछोगे तो कोई भी बता देगा। आप यहाँ के तो नहीं लगते विप्रदेव, कहीं दूर से आए हैं क्या। हाँ भाई मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। आपको द्वारकाधीश से क्या काम है विप्रदेव। अरे भाई कुछ नहीं, द्वारकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं। लगता है पागल हो गया है। द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है। अरे भाई इसकी हालत देख, कहीं से फटी हुई धोती पहने हुए है, पैरों में कुछ है नहीं, सर पर पगड़ी नहीं है। द्वारकाधीश ऐसी मित्रता करेंगे। द्वार पे तो जाने दो, वहां पे खड़ा मंदिर ही इसे अंदर नहीं जाने देगा। Yeah.
नहीं नहीं मित्रवर, ना ही तो मुझे किसी ने सताया और ना ही मैं दान के लिए आया हूँ। तो फिर क्या चाहिए आपको? प्रणाम महाराज। कहिए द्वारपाल, कैसे आना हुआ? महाराज, द्वार पर एक याचक आया हुआ है। तो उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? हमारे द्वार तो याचकों और विप्रों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस बात के लिए आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? कहिए द्वारपाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, मैंने उन विप्रदेव से पूछा था, क्या आपको कोई संकट है या दान चाहिए? जो भी कष्ट है बतलाइए। महाराज, उन्होंने जो वचन कहे उसे सुन के मैं सोचने पड़ गया। मैं आपसे आज्ञा मांगने को चला आया। ऐसा क्या कहा विप्रदेव ने, हमें साफ बतलाइए। महाराज, उनकी हालत देखकर तो ये लगता है कि वो यहाँ के हैं ही नहीं, कहीं दूर देश से आए हैं और अपने आप को आपका मित्र बतला रहे हैं। हमारा मित्र? हाँ महाराज, कह रहे थे कि संदीप जी आश्रम में वो आपके साथ भिक्षा ग्रहण करते थे और अपना नाम सुदामा बता रहे थे। सुदामा जी का नाम बिना मुकुट नंगे सिर दौड़े, भूल गए सब कुछ भगवान, टक्कर खाते गिरते पड़ते, मित्र मित्र का करके ध्यान, पावन में पन ही नहीं पहने, महलों से गए बाहर, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, श्याम रहे हैं तेरे लगाए, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। द्वारपाल, यहाँ जो अभी ब्राह्मण थे वो कहाँ गए? महाराज, वो अभी अभी यहाँ को गए हैं। तुमने उन्हें क्यों जाने दिया?
मित्र मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे, कोई मुझसे भूल हो गई। मित्र देखो, तुम्हारा मित्र तुम्हें लेने के लिए आया। नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा मत कहो मित्र। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मित्र, जब से गुरु आश्रम से बिछड़े तो आज जाके मिले और मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। बस तुम्हें देखने की इच्छा थी मित्र, सो मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे जाने दो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आए और द्वार से ही लौट जाए? नहीं नहीं, आप मेरे साथ महलों में चलेंगे। नहीं नहीं मित्र, महलों में तुम्हारी रानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी? तुम बहुत भोले हो सुदामा, तुम बहुत भोले हो। द्वारपाल, मेरे मित्र के लिए रथ तैयार करो। आज आपकी ये लीला देखकर मैं धन्य हो गई हूँ नाथ। ये कैसी लीला है प्रभु? रुक्मणी, सत्यभामा, आज से मेरे मित्र का दुख समाप्त हो गया है। गुरु माता का दिया हुआ श्राप आज खत्म हो गया है। अब मेरे मित्र के अच्छे दिन आने वाले हैं। रुक्मणी, तुम जानती हो सुदामा बचपन में बहुत शरारती थे, ये हमारे रखे हुए भोजन को भी खुद ही खा जाते थे। आप तो सुदामा जी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं प्रभु।
अरे इसमें छुपाने की क्या बात है, बचपन में ये सब तो होता रहता है। ये भी कुछ कम नहीं थे महारानी जी, ब्रज में गोपियों को छेड़ना और उनकी रास्ते में मटकी फोड़ना और उनका माखन चुरा के खा जाना और घरों में घुस जाना, ये इनकी आदत थी। अच्छा, ऐसे थे ये नटखट। प्रभु आप तो इनसे दो कदम आगे ही निकले। अच्छा तो ये छुपा रहे थे मुझसे, मैं जानता था भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। आप खाली हाथ आई नहीं, नहीं नहीं करिए मत, कोई ना कोई स्वादिष्ट व्यंजन तो जरूर लाए होंगे। नहीं नहीं करिए, इसे मत खोलो। क्यों नहीं भाई, जब भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनाकर भेजा है नहीं नहीं तो मैं इसे जरूर ग्रहण करूंगा। प्रभु इसीलिए मैं लज्जा के मारे आपसे ये चावल छुपा रहा था। जब वसुंधरा मुझे यहाँ भेजने लगी तो मैं हट करने लगा कि अपने मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। और उस समय मेरे घर में कुछ भी नहीं था नाथ, जब वसुंधरा ने पड़ोस में जाकर किसी से मांग के लाई और पोटली बनाकर हमें दी और कहा ये मेरी ओर से अपने मित्र को भेंट कर देना। और आप इन्हें छुपा रहे थे, ये तो मेरे लिए अमृत समान है मित्र। स्वर्ग लोक और भूलोक तो आपने अपने भक्त को दे दिया, और अगर बैकुंठ लोक भी अपने भक्त को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल कीजिए, अन्यथा हम भी सुदामा की तरह हो जाएंगे। तभी तो मित्रता बराबर की होगी देवी, वो मेरे जैसा हो जाएगा, मैं उसके जैसा हो जाऊंगा।
क्या किया? तुमने मेरे एक मुट्ठी तंदूल का नुकसान कर दिया। इससे एक मुट्ठी तंदूल का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। समय की प्रतीक्षा करें स्वामी। हे शिल्पी देव विश्वकर्मा जी, मैं जो कुछ भी आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आपने पूर्ण करना है। हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधारी है, कहिए नाथ मुझे क्या करना होगा। आयुष्मान भव। हे देवा, आप कौन हैं? हम गरीब के झोपड़े में किस लिए पधारे हैं? ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, इन छोटे छोटे झोपड़ों के बीच हमारा महल बनेगा। क्या ये शोभा देगा महाराज? पहले आसपास के झोपड़ों को महल बना दो, जो हमारी सहायता करते हैं वो भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं देवी? एक हमारा है परिवार, हम सुख में हो ये दुख में।
हे प्रभु, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। देवी वसुंधरा का कहना है पहले सारे नगर के झोपड़ों को महल बना दो, फिर मेरे घर को महल बनाओ। क्या आज्ञा है प्रभु? धन्य है देवी वसुंधरा, अपने साथ साथ सारे नगरवासियों का कल्याण चाहती हैं। मैं आपकी इस भक्ति को नमन करता हूँ। हाँ स्वामी, धर्मपरायण और संतोष रखने वाली ये नारी बहुत ही सौभाग्य वाली है। हाँ स्वामी, वसुंधरा जैसी नारी के दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। मैं भी इस नारी के दर्शन करके धन्य हो गई। हे नगरवासियों, मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा हूँ। द्वारकाधीश की आज्ञा पाकर देवी वसुंधरा के घर को महल बनाने आया था, लेकिन देवी वसुंधरा का कहना है सभी नगरवासियों के झोपड़ों को महल बनाया जाए, फिर मेरे घर को महल बनाया जाए। धन्य है देवी वसुंधरा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। राजा की झूठी प्रशंसा करते करते मेरा मन भी पापी हो गया था। उसके दिए हुए धन से मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन आप तो महान है महान, जो अपना दुख दूर करने की बजाय आपने सभी लोगों का दुख दूर कर दिया और मुझ जैसे पापी को और विश्वकर्मा जैसे महान देव के दर्शन हो गए मुझे। उठो देवर जी, उठो उठो, मुझे माफ कर दो। सम्मान बसुंधरा ने हाथ जोड़ करे।
महारानी जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और कष्ट करके ये बताइए कि आप कौन हैं। हे देवी वसुंधरे, मैं श्री नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी हूँ और तुम्हारी हरि भक्ति और पति सेवा देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चिर आयु का वरदान देती हूँ और तुम्हारे इस यौवन को कभी समाप्त न होने का वरदान देती हूँ। तुम्हारी श्री कभी नष्ट नहीं होगी। हे मातेश्वरी, अब तो मेरे सर के केश भी पक गए, अब मैं इस यौवन का क्या करूँगी। देवी वसुंधरा, आज से तुम्हारे इस महल में हमेशा मेरा वास रहेगा। तुम्हारा यश कभी नष्ट नहीं होगा। भाभी जी, आप धन्य हैं। आपके पुण्य प्रताप से इस पापी को भी माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह के दर्शन हो गए। मैं आज से आप दोनों की सेवा करके अपने जीवन के दिन व्यतीत करूंगा। किंतु इस चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर उदासी का कारण जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज्ञा कीजिए भाभी जी। आज से इस भवन की और इन बच्चों की देखभाल आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं तो वहीं जा रही हूँ जहाँ पर वो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं उसी मंदिर पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करूँगी और जब वो आएंगे उनके साथ ही मैं भवन में आऊँगी। बस आपसे एक विनती है, इस घर का, इस भवन का और इन बच्चों का ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है भाभी जी, जो आपके। वसुंधरा ने विप्र चक्रधर को
भोजन ग्रहण कर लीजिए भाभी जी। देवर जी, बच्चों ने भोजन कर लिया? हाँ भाभी जी, बच्चे भोजन करके कक्ष में सो रहे हैं। आपने दो दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है, आप भी खा लीजिए भाभी जी। मुझे भूख नहीं है, जब तक वो नहीं आएंगे मैं उनका एक दाना भी नहीं खाऊंगी। महाराज, एक रात विप्रों के झोंपड़ों में देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा रात को प्रकट हुए थे? आप लोगों ने मुझे तो बताया नहीं। महाराज, उस वक्त आप मदिरा पान में थे और सो रहे थे। तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? हमने आपको जगाने का बहुत प्रयत्न किया महाराज, किंतु आप नहीं जगे। हम नहीं जागे? हमने तो सब कुछ खो दिया। मंत्री जी। जी महाराज। ऐसा कौन सा धर्मात्मा हमारे राज्य में रहता है देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारे राज्य में पधारे हैं? विप्रों के झोपड़ों में देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए थे। सुदामा वो गरीब पंडित सुदामा। जी महाराज, और उसने आपको सत्य उपदेश ज्ञान भी कराया था, किंतु आपने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसी पुण्य प्रताप से विश्वकर्मा जी प्रकट हुए थे और नगर को परिपूर्ण कर गए। मित्र, कैसे उदास हो? नहीं नहीं मित्र, मैं उदास नहीं हूँ। अरे मित्र, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस समय आपको भाभी की याद सता रही है। देखो, निसंकोच होके मुझसे कहो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र से मित्र का कैसे पर्दा? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। बोलो मित्र, इतने उदास क्यों हो?
कहो ना मित्र, मुझसे मिलने जब आप द्वारिकापुरी आ रहे थे तब भाभी जी ने मुझसे कहने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कहा ही होगा। मित्र, आपकी भाभी ने मुझसे यही कहा था कि कहना कि हम लोग सब कुशल पूर्वक से रहते हैं, आपकी कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ है और सदा आपकी कृपा चाहते हैं, बस इतना ही कहा था मित्र। मैं चाहता हूँ जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगर वसुंधरा मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें क्या दिया तो मैं क्या कहूंगा? कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैंने उनसे मांगा भी तो नहीं था। हरे कृष्ण, चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हरे कृष्ण, चल ठीक है, जितना जिसके भाग में होता है उतना ही मिलता है। कुछ भी हो, अपने मित्र से मिलकर आज मन बहुत प्रसन्न है। हाँ भाई गोपाल, मेहमानी तो खूब कर ली, अब मैं घर जा रहा हूँ। एक बात कहूँ विप्रदेव? कहो भाई। आपके तो बड़े ठाठ हो गए हैं। ये तो भाई मेरे मित्र ने सब प्रदान किया है। भक्त से स्वामी कृपा निधान, मित्र ने कुछ ना दिया है।
अरे भाई, जब मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से? आप बड़े भोले हैं विप्रदेव, आप नहीं जानते इन बड़े लोगों को। बड़े लोगों की बड़ी ही बातें होती हैं। जैसे गजराज के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपके मित्र को कुछ ना कुछ देना चाहिए था? ठीक कहते हो भाई, ब्राह्मण हूँ, कुछ तो देना ही चाहिए था। अच्छा तो भाई, ससुराल जा रहे हो अपनी दुल्हनिया के पास उसको मिलने के लिए? हाँ विप्रदेव, आप समझ गए। अब तो मैं उसे इसी बैलगाड़ी में बैठा कर वापस लाऊंगा। क्या सोच रहे हो विप्रदेव? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी पत्नी और बच्चे याद आ गए। ना जाने वो कैसे किस हाल में होंगे, भगवान उनकी रक्षा करे। चिंता ना करें विप्रदेव, प्रभु ने चाहा तो सब कुशल से ही होंगे, क्योंकि हरि की लीला अपरंपार है, जिसका भेद किसी ने नहीं जाना। तुम सच कहते हो भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाभी जी, आज आपको पूरे 15 दिन हो गए मंदिर में फूल बिछाते और प्रतीक्षा करते हुए। महलों का सुख छोड़कर आप मंदिर में रह रही हैं। आपका महल भी तो एक मंदिर के समान है भाभी, वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। चलिए भाभी जी चलिए। देवर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरे स्वामी मुझे इसी मंदिर में छोड़कर द्वारकापुरी गए थे। जब तक मेरे प्रभु आ नहीं जाते तब तक मैं महल में वापस नहीं आऊंगी।
अब तो मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर करके उन्हीं के साथ ही महल में आऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें, बस बच्चे का ध्यान दीजिए। धन्य है भाभी जी, आप धन्य है। आप और आपकी पतिव्रत भक्ति धन्य है। मैं आपको और आपकी भक्ति को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उठिए विप्रदेव, देखिए आपका नगर आ गया है। तुम सच कहते हो भाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई, आपसे बात करते करते कब हम इंद्रा में चले गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। बताइए अब कहाँ चलना है। अरे भाई, मेरे घर तक ये बैलगाड़ी नहीं जा सकती, आप मुझे यहीं उतार दो। ये क्यों नहीं कहते विप्रदेव कि आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे घर तक सच में आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। फिर आपको अपने ससुराल भी तो जाना है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे, ये जिसने भी फूल बिछाए हो मुझे क्षमा कर दे, मैंने इन्हें देखा ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन है देवी और ये क्या कर रही है? मैं तो आपका पति नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी वसुंधरा हूं। नहीं नहीं, आप मुझे पहचानिए स्वामी। ये कैसे हो सकता।
रहा है तुमसे दास, मेरी पत्नी मुझको प्यारी, मुझ पर करती है विश्वास, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी, नहीं भक्त का हो परिहास, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। स्वामी, ये जो आप देख रहे हैं ये तो माता लक्ष्मी की देन है। उन्होंने मुझे तीरायु का वरदान दिया है और कहा है कि तुम सदैव इसी प्रकार बनी रहोगी। देवी, मुझे फिर भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। याद कीजिए स्वामी, एक बार आप राजा के दरबार में अपने मित्र चक्रधर के साथ गए थे। आपने अपने मुख से राजा की प्रशंसा नहीं की थी, जिससे क्रोधित होकर राजा ने आपको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। आपके शरीर के कई हिस्सों से रक्त बह रहा था। जब मैंने उस घाव में तेल लगाने को कहा, तब आपने मुझसे कहा था, अगर ये तेल मेरे घाव पर लगा दोगी तो इस घर में दीपक कैसे जलेगा। स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ वसुंधरा, आप मेरा विश्वास कीजिए स्वामी। ये क्या कर रहे हो मित्र, उठो उठो। नहीं भक्तराज, जब तक आप मुझे क्षमा करके अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, 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 नहीं। अच्छा ठीक है भाई, मैंने आपको क्षमा किया, अब तो उठ जाओ। देख क्या रही हो भाभी, आरती नहीं उतारोगी? क्या बताऊं देवर जी, ये तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी। महाराज, यही आपकी पत्नी है वसुंधरा और मेरी भाभी। हे मायापति धारी, हे भक्तराज शिरोमणि सुदामा जी, आप धन्य हैं।
आपकी और वसुंधरा जी की भक्ति के कारण हम सभी नगर वासियों का तरन तारण हो गया। धन और धान्य से हर घर परिपूर्ण हो गया। हरे कृष्ण। और भक्तराज, यही वसुंधरा देवी है जो आपकी मंदिर में बैठ के राह देख रही थी। वाह प्रभु वाह, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया प्रभु जी। मैं तो समझ रहा था कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपकी लीला प्रभु अपरंपार है, अपरंपार है प्रभु। वसुंधरा, इनमें से अपना घर कौन सा है? स्वामी वो देखिए, वो रहा अपना महल। हरे कृष्णा, ये तो बिल्कुल द्वारकापुरी जैसे लग रहा है। हाँ स्वामी, ये सब हमें भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी ने हमें प्रदान किया है। चलिए ना स्वामी, अपने महल चलते हैं। चलिए। उठिए राजन, उठिए। नहीं भक्तराज, नहीं, मैं आज तक झूठी प्रशंसा और सत्ता के मद में चूर था। राजा का कर्तव्य क्या होता है मैं भूल गया। सदा मदिरा और नृत्य में डूबा रहा। यदि किसी ने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया तो मैंने उसे कड़ा दंड दिया। मैं अपराधी हूँ, अपराधी हूँ, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ। नहीं नहीं राजन, आज आपको अपनी गलतियों का स्मरण हो गया है। उठिए राजन, उठिए। नहीं नहीं राजन,
ब्राह्मण का कर्तव्य राज करना नहीं सच्ची शिक्षा देना है। राजा को न्याय और नीति का ज्ञान कराना है ताकि कभी भी राजा अधर्म की राह पर ना जाए। आप धन्य है और धन्य है आपकी भक्ति। कर महल में चलिए। महाराज जैसे आप पहली बार रानी को ब्याह कर लाए थे। चलिए महाराज चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।